बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये पूछा गया कि क्या उशर साल में एक बार अदा करना होता है, या जितनी बार फसल उगती पैदा होती, हर फसल का अलग अलग उशर होता है? तो उसका जवाब ये है कि जितनी बार भी जो कुछ भी आप साल में उगाएंगे, यानी एक दो तीन फसलें आप साल में उगाते हैं, तो हर फसल पे आपको उशर देना जो है वो लाजिम होता है। और शरीयत ने पैदावार की कोई मकदार मुकर्रर नहीं की कि आपकी इतनी पैदावार हो तो आप उसमें से उशर देंगे और इतनी पैदावार हो तो आप नहीं देंगे। नहीं, जो कुछ भी जमीन से थोड़ा हो ज्यादा हो, जो उगेगा, जो आप पैदावार हासिल करेंगे, आप तिजारत की गरज से या जिमीदारा किसी गरज से आप करेंगे, खेती बाड़ी आप करेंगे, तो आपके ऊपर उसका उशर जो है वो लाजिम हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये फर्क जरूर है कि देखा जाएगा कि वो जमीन किस हैसियत वाली है। अगर तो बरानी जमीन है, यानी कुदरती आबी वसाइल है, कोई बारिश, नदी का पानी, दरिया का पानी उसे सैराब करता है, तो फिर कुल पैदावार का 10वां हिस्सा उशर आपके जिम्मे होगा। और लेकिन अगर उसके मुकाबले में जमीन वो है जो जिस पे ट्यूबवेल का खर्चा होता है या आपके दीगर जो अखराजात उसके ऊपर होते हैं, उसको सैराब करने पे, फसल को उगाने पे, या ठेके पे जमीन वगैरह ली होती, तो ऐसी सूरत में उस जमीन पर निसब उशर जो है वो आपके जिम्मे लाजिम होगा, 20वां हिस्सा, यानी 5%। तो जमीन की हैसियत को जरूर देखा जाएगा, जैसी जमीन होगी उसी के अतबार से उशर होगा। बरानी जमीन है तो मुकम्मल उशर है, और अगर दूसरी जमीन है जिसके ऊपर अपना खर्चा, अपनी मेहनत और अपनी लागत आती है, तो उसके ऊपर निसफ उशर जो है वो लाजिम होगा।